बहुत से आदम इरशाद फरमाते हैं कि जमीन पर मेरा ना वही बंदा ले पाता है, वही शख्स ले पाता है जिससे मैं राजी होता हूँ। यानी अगर मैं राजी ना हूँ, मैं ना चाहूँ, तो वो बंदा उम्र भर मेरा नाम नहीं ले पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी हैं, सनातन सुन्नी हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे ये कहते रहेंगे क्या कि बड़े पीर दस्तगे, बड़े पीर दस्तगे। लगे बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर। सुन लीजिए, कौन बड़े पीर? अरे बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, हमारे असर इमाम भाई बहुत माशाल्लाह जो आपके साथ मिला है। बड़े पीर दस्तगे, बड़े पीर दस्तगे, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाए और कहे या गौसे आज़म। आप सोच रहे हैं कि मौला अशरफुल कादरी साहब अख्तर परवाज नहीं इनको बुलाए हैं, वो आकर बार बार गौसे पाक का नाम कहवा रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, आखिर इससे मिलेगा क्या? ये सवाल वो लोग कर सकते हैं। कौन लोग? वो लोग वो कर सकते हैं मुफ्ती अशरफ साहब जी, तो कर सकते हैं। मुफ्ती अशरफ साहब से पूछ सकते हैं कि अख्तर परवाज नईमी क्यों बार बार गौसे आजम का नाम कहलवा रहे थे, आखिर गौसे आजम ने दिया क्या है? तो उनको जवाब दे दीजिएगा, मैं जवाब बताने जा रहा हूँ। क्या क्या बताओ से क्या क्या बना दिया, चलो खड़े हो बैठ जाए, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर के नसीर, बड़े पीर।
एक शेर सुन लीजिए, तैयार है आप इस शेर से? तैयार है? कुछ लोगों ने जो कहा करता है माशाल्लाह के नबी हमारे बराबर के, उन कमबख्तों को बता दीजिए, अरे तुम्हें पजामा पहनने का तरीका मालूम नहीं और नबी के बराबरी का दावा करता है। अरे जब मेरे गौस का ये मर्तबा है तो मेरे नबी का क्या मर्तबा होगा? अगर आप तनाकम सुन्नी है और अपने पास दिल लगते हैं तो इस शेर पर सब लोग बोल लीजिएगा ताकि लगे कि इस शेर लेना मेरा कामयाब हो जाए। मुलाहिदा फरमाए, अरे मशहूर है कहो ये करामत जहान में, मशहूर है कहो ये करामत जहान में, मशहूर है कहो ये करामत जहान में, अरे मशहूर है कहो ये करामत जहान में, मशहूर है कहो ये करामत जहान में, अरे लड़की को मेरे गौस सिंह लड़का पीर दर तगेर, पड़े पीर दर तगेर।